आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। मुस्कान फाउंडेशन एवं राजवंशी कल्याण परिषद के द्वारा बढ़ते भीषण ठंड को देखते हुए बचाव हेतु कंबल बांटा गया। बारसोई प्रखंड के जतनपुर गांव में वृद्ध, दिव्यांग, विधवा एवं असहाय के बीच 50 कंबलों का वितरण किया गया। बारसोई प्रखंड के जगतपुर गांव में वृद्ध, दिव्यांग, विधवा एवं असहायों के बीच 50 कंबलों का वितरण किया गया। संस्थान के संयोजक दीपक पोदार ने बताया कि संस्था पिछले कई चरणों में सैकड़ों कंबल का वितरण कर चुकी है और आगे भी कुछ चरण में असहायों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण करेगी। मौके पर उपस्थित सर्वोदय समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार ने दीपक मुस्कान जी के द्वारा किए जा रहे मानव सेवा की भरपूर सराहना करते हुए समाज के विभिन्न संगठनों से भी असहायों मानवों के बीच इस भीषण ठंड से बचाव हेतु मानव जनकल्याण के कार्य हेतु आगे जाने के लिए अपील किया है। हमारे जगन्नाथ दास जी हैं जिनके प्रयास से हम ये काम कर पा रहे हैं और 50 कंबल दिव्यांग असहाय के बीच देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास है इस ठंड से बचाव हेतु जो हमसे बन पड़ रहा है। हम चौथे चरण में देने का काम किए हैं और आशा करते हैं इस तमाम माताओं का आशीर्वाद मिले जो आगे भी हम इस तरह काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ बताएं, किस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए, मेरे मित्र जो कटिहार के दीपक मुस्कान हैं वो बहुत मैंने और हम लोग का सर सर्वोदय समाज के उन लोगों के सहयोग से इस क्षेत्र हम लोग जो तब हम लोग का बारसो बल्लामपुर प्रखंड पिछड़ा हुआ है तो हम लोग फ़ोन किए मेरे मित्र सहयोग को, बताया ठीक है तो आप लोगों के एरिया में भी दिया जाएगा। जब हर एक क्षेत्र में हम लोग करते हैं तो दीपक और अशोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र गरीब, यहाँ के गरीब असहाय हैं, इनके लिए बहुत धन्यवाद। परिचय पर, मेरा नाम जगन्नाथ दास, समाज सेवी। चल आप नेक्स्ट। हाँ,